यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। खराब शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो गाइज आ चुका है न्यू अपडेट इंडियन बाइक्स एंड कार्स गेम 3D का। तो इससे पहले जितनी भी अपडेट्स आई हैं जब भी ये गेम लॉन्च हुआ था, तो आज की इस वीडियो में हम सभी को जो है एक्सप्लोर करेंगे। तो वीडियो जो एंड तक जरूर देख लेना, और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। तो वीडियो जो एंड तक जरूर देख लेना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो जल्दी से करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। ओके, तो जैसा कि आपको पता है अभी एक लेटेस्ट अपडेट आई थी, तो इसके अंदर हमें जो है बाइक्स कुछ अनलॉक मिलती थी और कुछ जो है लॉक्ड मिलती थी, और इसके अलावा हमें कार्स भी लॉक्ड मिलती थी। तो इस गेम का जो है न्यू अपडेट आ चुका है, और अभी हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन सी हमें कार्स अनलॉक्ड मिलती हैं और कौन सी लॉक्ड मिलती हैं। तो आप देख ही पाएंगे इसके अंदर एक लिस्ट मिल जाती है, लास्ट में जो 5 कार्स हैं वो हमें लॉक्ड मिल रही हैं। जी हाँ गाइज, तो आप देख ही पाएंगे इसके अंदर येलो कलर की पट्टी लगा दी गई है। तो ये देख लो भाई साहब, तो ये देख लो, अभी फॉर्च्यूनर भी मेरे आइडिया में आप इसमें नहीं चला सकते। तो देख लेते हैं अभी हम मंगवा के, तो लेट्स गो। तो भाई साहब ये देख लो, ओ भाई साहब, पहले हमें फॉर्च्यूनर जो है वो लॉक नहीं मिलती थी, अनलॉक मिलती थी, लेकिन अभी जो अपडेट आई है इसके अंदर हमें फॉर्च्यूनर भी लॉक्ड मिल गई है। जी हाँ गाइज, तो ये डेवलपर जो है इसके ऊपर काफ़ी हार्ड वर्क किया है, तो उन्होंने ऊपर एक भी नोटिफिकेशन भी लिख दिया, आप पढ़ ही सकते हो। तो ये डेवलपर की जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से आई है, तो आप अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो आप कर दो। तो जब इसकी पहली अपडेट आई थी उसके अंदर हमें जो है फॉर्च्यूनर अनलॉक मिलती थी, वो आप देख ही पा रहे होंगे। तो मैं इसको चला रहा हूँ, तो अभी रिसेंटली जो अपडेट आई है इसके अंदर हमें अभी फॉर्च्यूनर भी लॉक्ड मिल गई है। कोई बात नहीं, तो भाई ये शिवाजी गेम्स की तरफ से अभी न्यू अपडेट आया है जिसके अंदर हमें फॉर्च्यूनर भी लॉक्ड मिल गई हैं, और बाइक्स भी हमें 2 ही अनलॉक मिलती हैं, बाकी जो हैं वो लॉक्ड मिलती हैं। तो भाई ये गेम जो है न्यू लॉन्च हुआ है, जिसकी वजह से शिवाजी गेम्स ने इसके ऊपर काफ़ी हार्ड वर्क किया है, तो इस वजह से थोड़ा भाई उसको सपोर्ट चाहिए। तो अगर आप करना चाहते तो कर दो। ओके, तो ऊपर की जो 4 कार्स हैं वो आपको अनलॉक मिलती हैं, और जो दो बाइक हैं वो आपको जो है अनलॉक मिलती हैं। बाकी एक भाई थे जो कि पूछ रहे थे कि भाई ये गेम जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो बैक हो जाती है, तो ये मैंने भी फेस की है चीज़। तो अभी जो है इसकी अपडेट आई है, इस चीज़ को नेक्स्ट अपडेट के अंदर फिक्स कर दिया जाएगा, लेकिन भाई अभी जो है इसके अंदर अपडेट यही आई है कि आपको फॉर्च्यूनर जो वो लॉक्ड मिलती है। तो अब आ जाते हैं इसकी, जब ये गेम लॉन्च हुआ था तो कैसा था, तो कुछ इस तरह से ये गेम जो है लॉन्च हुआ था, जिसके अंदर अब आप जितनी भी कार्स और बाइक्स थी सभी को आप ड्राइव कर सकते थे। जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे हमारी बुलेट भी इसके अंदर आप चला सकते थे, तो देख लो भाई कितनी ओपी लग रही है। और इसके अलावा हमारी KTM जो थी इसको भी आप इजीली जो है वो ड्राइव कर सकते थे। तो अभी मैं आपको चला के दिखा भी रहा हूँ। तो ये थी इसकी जब ये गेम लॉन्च हुआ था, कुछ इस तरह से हमें ये गेम जो है लॉन्च मिला था। बाकी इसके अंदर आप KTM डक भी चला सकते थे, बाकी इसके अंदर जितनी भी सुपर कार्स हैं सुपर बाइक्स हैं वो भी आप राइड कर सकते थे। तो देख लो गाइज, ये रही इसकी फर्स्ट अपडेट जो कि जब ये गेम लॉन्च हुआ था। और इसके अलावा इसके अंदर जो सिटी मिलता था वो ये वाला सिटी था, जो कि भाई GTA Vice City वाला था। तो अभी जो अपडेट आई है इसके अंदर हमें इंडियन बाइक्स वाला सिटी मिल जाता है। तो हमारा ट्रैक्टर भी गिर गया है, तो अभी इसको हम लेके चलते हैं आगे, और इसके अंदर जितनी भी कार्स थी उन सभी को आप ड्राइव करके दिखाता हूँ। तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ये बताना कि आपको इन सभी अपडेट्स में से कौन सा अपडेट अच्छा लगा है। तो अभी मैं मंगवा लेता हूँ अपनी इंडेवर कार। तो अभी जो इंडेवर कार है ये हमें मिलती है लॉक्ड, लेकिन इसके अंदर आप इसको ईजीली जो है चला सकते थे जब ये गेम लॉन्च हुआ था। बाकी फॉर्च्यूनर भी अभी लॉक्ड मिलती है, तो इससे पहले जो अपडेट था उसके अंदर आप फॉर्च्यूनर भी चला सकते थे। तो आप मुझे बता दो कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से कि आपको इन सभी अपडेट्स में से कौन सी अपडेट अच्छी लगती थी। तो अगर आप चाहते हो कि इसकी जब ये गेम लॉन्च हुई थी इसका आपको डाउनलोड का ट्रिक्स चाहिए, तो अगर आप ये वाली गेम जो है खेलना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता दो। इसका मैं प्रॉपर डिटेल से आपको एक लिंक दे दूँगा, तो जिसके ज़रिए आप जो इस गेम को प्ले कर सकोगे। बाकी अगर आप शिवाजी गेम्स को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस गेम को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके शिवाजी गेम्स को सपोर्ट कर सकते हैं। और हाँ गाइज, ये गेम अभी न्यू लॉन्च हुआ है, तो जिसकी वजह से इसके ऊपर डेवलपर ने जो है काफ़ी हार्ड वर्क किया है, तो इस वजह से इसके अंदर हमें जितनी भी कार्स हैं और बाइक्स हैं कुछ हमें लॉक्ड मिल रही हैं और कुछ जो है अनलॉक मिल रही हैं। तो जैसे इसकी डाउनलोडिंग ज़्यादा हो जाएगी तो इन सभी चीज़ों को जो है वो फ्री में कर दिया जाएगा। नो 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 नो, आई एम टेलिंग यू। तो आप जल्दी से इसको डाउनलोड करो प्ले स्टोर से।
और हाँ गाइज, आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो कि आपको इन सभी अपडेट्स में से कौन सा अपडेट अच्छा लगा है, और अगर आप चाहते हो कि जो मैं अभी गेम प्ले प्ले कर रहा हूँ इसका आपको अगर APK चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी इसी के ऊपर कल मैं एक कॉमेडी टाइम में पोस्ट लगाऊंगा, तो आपने ज़रूर वोट करना है आपको कौन सा जो है इसके अंदर APK चाहिए। अगर आपने न्यू अपडेट वाला इसका गेम प्ले करना है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो कल अगर जिसके ज़्यादा वोट हुए तो उसी का जो है आपको मैं APK दे दूंगा। तो अगर आप चाहते हो कि जो मैं अभी प्ले कर रहा हूँ तो इस APK चाहिए तो आपको मैं ज़रूर दे दूंगा। बाकी इसके अंदर आपको जितनी भी कार्स हैं वो अनलॉक्ड मिलती हैं, जैसे कि हमारी स्कॉर्पियो होगी, फॉर्चुनर होगी, बाकी हमारी इंडेवर कार होगी, बाइक्स होगी, जितनी भी हमारी बुलेट होगी, KTM होगी। तो अभी जो न्यू अपडेट आई है उसके अंदर हमें कुछ बाइक्स और कार्स हमें लॉक्ड मिलती हैं, तो उसकी रीज़न यही है कि जो शिवाजी गेम्स हैं उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी हार्ड वर्क किया, तो जिसके वजह से भाई वो थोड़ा पेड में रख दिया। तो अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो अगर आप भी फ्री में खेलना चाहते हो तो इसका जो है आपको APK मिल जाएगा। तो कल आपने कम्युनिटी टैब में जो है एक मैं पोस्ट लगाऊंगा तो उसमें आपने ज़रूर वोट करना है। बाकी आप इन सभी जो अपडेट्स आई हैं इनमें से कौन सी आपको बेस्ट लगती है, किसको आप कितने नंबर दोगे, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बता देना। बाकी यार ये वाला जो गेम प्ले था, जब ये गेम लॉन्च हुआ था तो मुझे तो काफ़ी बेस्ट ये लगता था, क्योंकि इसके अंदर हमें जितनी भी बाइक्स और कार्स हैं वो लॉक्ड नहीं मिलती थी, अनलॉक मिलती थी। मज़ा आया। तो आप देख ही पा रहे होंगे इसके अंदर फॉर्चुनर भी आप ड्राइव कर सकते थे बहुत ईजिली, वो तो आप अभी भी कर सकते हो। लेकिन भाई इसके अंदर जो हमें सिटी मिलता था वो मिलता था GTA वाइस सिटी। तो देख ही पा रहे होगे सिटी कितना ओपन वर्ल्ड हमें सिटी मिलता था। लेट्स गो। तो अभी इसका जो न्यू अपडेट आया इसके अंदर हमें फॉर्चुनर जो है ड्राइव करने को नहीं मिलती, वो मिलती है पेड वर्जन में। तो आप देख ही पा रहे होंगे इसके अंदर जो लिस्ट दी गई है इसके अंदर आपको येलो कलर की जो मार्क किए हुए हैं इसको आप राइड नहीं कर सकते। बाकी जो ऊपर ऊपर जो दो बाइक्स हैं और जो हमें 4 कार्स हैं उनको आप इजीली ड्राइव कर सकते हैं। तो अगर आप शिवाजी गेम्स को सपोर्ट करना चाहते हो तो जल्दी से जाके इस फॉर्चुनर को बाय कर लो, और बाकी जो बाइक्स और कार्स हैं उनको भी बाय कर लो। नॉर्मल प्राइस में आपको ये अनलॉक मिल जाएंगी। तो जैसे इसकी रेटिंग बढ़ेगी तो शिवाजी गेम्स जो है इनको अनलॉक कर देंगे। तो इस गेम के ऊपर काफ़ी कॉस्ट आई है जिसकी वजह से शिवाजी गेम्स ने इनको जो है अभी पेड कर दिया है। तो आई होप कि आज की वीडियो जो है आपको अच्छी लगी होगी, और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको इन सभी अपडेट्स में से कौन सी अपडेट जो है वो अच्छी लगी है। तो इसके अंदर करैक्टर जो है अभी हमें यही मिल जाता है, बाकी इससे पहले जब ये गेम लॉन्च हुआ था तो इसके अंदर करैक्टर हमें फ्रैंकलिन वाला मिलता था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आए ना तो यार लाइक मारो, कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे हैं, कर दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ मैरी गो राउंड खेलो या फिर TP TP टैप, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।